वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलायंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर के बारे में. सी देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जो कि ऐसे कॉलेजेस में जाना चाहते हैं जो कि टॉप 50 बी स्कूल्स के अंदर आता है. तो ये भी एक ऐसा ही कॉलेज है, बट कितना अच्छा ऑप्शन है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. So hi, my name is Arshikhan and you're watching MBA with Arshikhan. And today we're going to talk about Alliance University which is in Bangalore. Right, agar hum is college ke बेसिक को हटा के बात करें 2010 की एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है. राइट, 55 प्लस एकर्स में स्प्रेड है, कई सारे कोर्सेज कराती है बिकॉज इट्स यूनिवर्सिटी. इनका एक एमबीए का भी डिपार्टमेंट है. 7000 प्लस स्टूडेंट इनटेक है, 20 से ज्यादा कोर्सेज है, 6 स्टूडेंट पे एक फैकल्टी है विच इज आई थिंक गुड. राइट, उसके अलावा स्कॉलरशिप भी कई तरह की प्रोवाइड करती है. रैंकिंग वैसे मैं डिस्कस नहीं करती, बट यहाँ पर मैं सिर्फ एक रैंकिंग डिस्कस करना चाहूंगी बिकॉज मैं कई सारे ऐसे बच्चों से बात करती हूँ. दे हैव शॉर्टलिस्टेड कॉलेजेस, उन्होंने कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर लिए, बट जब उनका लेट्स से एंड मोमेंट आया तो दे जस्ट सेड कि मुझे ऐसे कॉलेजेस चाहिए जो NIRF की रैंकिंग में आते. तो ये कॉलेज 2020 की रैंकिंग में 39th पोजिशन पे आता है, मतलब टॉप 50 MBA कॉलेजेस. NIRF इज अ गवर्नमेंट रैंकिंग, गवर्नमेंट फ्रेमवर्क. मैं अगेन आपको बता दूं, इसका प्लेसमेंट पैरामीटर नहीं होता, बट कॉलेज में बाकी सारी चीजें सभी अच्छी हैं. दैट इज द रीजन ये कॉलेज कहीं ना कहीं रैंकिंग में आता है, क्योंकि NIRF रैंकिंग का फ्रेमवर्क, डाइवर्सिटी, फैकल्टीज, कितना कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन सब चीजों पे कितना इन्वेस्ट करता है, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स पे कहीं ना कहीं NIRF रैंक. बाकी सारी रैंकिंग आग बंद कर सकते हो, बट अगर तुम्हें पढ़ाई के वाइज, आई एम नॉट सेइंग प्लेसमेंट वाइज, आई एम सेइंग पढ़ाई एंड रेस्ट ऑफ द चीज के वाइज देखोगे तो NIRF रैंकिंग का फ्रेमवर्क अच्छा है. और उन स्टूडेंट जिनको टॉप 100 NIRF रैंकिंग के थ्रू कॉलेजेस चाहिए, भाई 39 पोजिशन पे है इंक्लूडिंग ZIIMS एंड अदर कॉलेजेस, उस रैंकिंग में ये कॉलेज आता है. ये सारे MOUs एंड कोलैबोरेशन है विच इज इंटरनेशनल, राइट फ्रॉम स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, राइट फ्रॉम गेस्ट फैकल्टीज, राइट फ्रॉम सो मेनी सेमिनार्स, वेबिनार्स, राइट, इंक्लूड पेरिस स्कूल ऑफ बिजनेस, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गुंडी, देन जॉर्ज स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैट्रॉन, वेबर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बर्लिन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लॉ जर्मनी, राइट, लिवरपूल जॉन मूर्स यूनिवर्सिटी, ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिससे कॉलेज के टाइप हैं फॉर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, एंड दैट्स ऑल्सो गुड थिंग, MOUs एंड टाइप्स. अब हम बात करते हैं व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं MBA के लिए. राइट, सो द टोटल फी स्ट्रक्चर इज 14 लाख रुपीज फॉर 2 ईयर्स, दैट इंक्लूड्स, राइट, फॉरन स्टूडेंट्स के लिए अलग है. यहाँ पे फॉरन स्टूडेंट्स का भी इनटेक है, एंड दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग, कि मतलब डाइवर्सिटी और नेशनली नहीं इंटरनेशनली है. प्रोसेसिंग फीस 25,000, प्रपोजिशन 25,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4,50,000, सेकेंड 4,50,000, ऐसा फी स्ट्रक्चर है. ये ट्यूशन फीस है, ये रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग फीस है. मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज एग्जीक्यूटिव PGDM फी स्ट्रक्चर. अगर हम इसकी बात करें तो टोटल इसका फी स्ट्रक्चर 2,45,000 का है नेशनल स्टूडेंट्स का, ठीक है. तो ये कहीं ना कहीं अगर आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं. अब एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है पेमेंट करके, राइट. अगर आप चाहोगे तो उसके कूपन्स भी आपको मिल सकते हैं, नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है या नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हो, राइट. देन आपको जो भी कोर्स है वो सिलेक्ट करना है, इंटरव्यू की डेट सिलेक्ट करनी है, और कहीं ना कहीं इंटरव्यू होगा, देन उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं 3 तरह के सिलेक्शन होते हैं, एक सिलेक्टेड, एक है वेटलिस्ट और एक है रिजेक्टेड. रिजेक्टेड है तो नहीं हो सकता, वेटलिस्ट है मतलब फिर भी चांस है कि आपको कहीं ना कहीं एडमिशन इस कॉलेज में मिल जाता है. इंटरव्यू, अकेडमिक्स, एंट्रेंस में बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं चाहिए, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, राइट. सो अगर हम बात करें एंट्रेंस में क्या क्या स्कोर चाहिए होता है, तो उनका कट ऑफ एज सच बहुत ज़्यादा नहीं है. लेट्स से अगर आपका 60-70% है, भले वो कैट हो या जैट हो या सीमैट हो, आप उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट दे शुड स्टूडेंट नीड टू हैव 80%. इफ यू हैव 60-70% यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कॉलेज, और इवन इफ यू हैव गुड अकेडमिक्स एंड रेस्ट ऑफ द थिंग, तो उससे कम में भी होने के चांसेस है. देन उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इवैल्यूएशन प्रोसेस. लिखा तो है, बट इट इज बेसिकली प्लेसमेंट्स, राइट. थोड़ा सा ये कंटेंट टीम से गड़बड़ होती हुई, राइट. प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो
7.6 लाख का कॉलेज एवरेज क्लेम करता है, हाईएस्ट सैलरी 22,06,000 का, राइट. उसके अलावा अगर हम स्टूडेंट प्लेस की बात करें 92%, विच इज अगेन गुड. व्हाई आई एम सेइंग दिस गुड, बिकॉज मैं यहाँ 100% नहीं देख रही हूँ, मतलब ये मुझे अच्छा लगा. वरना मतलब आई थिंक अगर हम 100 में से 90 कॉलेजेस की बात करें, दे ऑलवेज क्लेम 100% प्लेसमेंट, विच इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. 380 प्लस रिक्रूटर्स, बट आई थिंक उन्होंने टोटल रिक्रूटर्स बोले हैं, दिस इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर MBA. उसके अलावा 25% का हाइक है. अगर आप थोड़ा बहुत 1-2 लाख का भी ऊपर नीचे करते हो तो 6.5 लाख के आसपास का पैकेज तो कॉलेज का आपको मिल जाता है. स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है, बट स्कॉलरशिप मतलब जिस बच्चे का 90 स्कोर होगा वो इस कॉलेज में नहीं जाएगा, डोंट टेक मी अदरवाइज, बट दैट्स ट्रू. बट उसमें आपको 50% स्कॉलरशिप है, ZAT में 90 है, 50% स्कॉलरशिप है, राइट, 10-10 स्टूडेंट्स को. GMAT में 650 प्लस है, तो फिर यू नो 50% स्कॉलरशिप है. 80% टाइल है, तो आपको 25% स्कॉलरशिप है इस कॉलेज के लिए. देन उसके बाद अगर हम बात करें यू नो स्कॉलरशिप फॉर वुमेन, अगर आप फीमेल हैं, आपका CAT में 70 है, ZAT में 70 है, GMAT में 550 का स्कोर है, राइट, तो आपको 15% की स्कॉलरशिप ट्यूशन फी पे जो है वो मिल जाएगी. और ये टोटल 60 कैंडिडेट्स के लिए है, बट इसके लिए 60% थ्रू आउट 10th-12th ग्रेजुएशन में होना जरूरी है. और यही एक क्राइटेरिया जो है वो 90% वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, बिकॉज प्लेसमेंट के टाइम पे ये आपका अकेडमिक्स जो है वो मैटर करता है. तो ये हमने बात कर ली स्कॉलरशिप की. NMAT की स्कॉलरशिप है 240 प्लस है तो 50% है, 220 है तो यू नो 35% है, 200 प्लस है NMAT में तो 25 है, 180 प्लस स्कोर है तो 10% की स्कॉलरशिप का वेटेज है थ्रू NMAT, राइट. रिजर्व कैटेगरी स्कॉलरशिप्स भी हैं, राइट, इकोनॉमिकली चैलेंज्ड 100% स्कॉलरशिप, राइट, टेस्ट स्कोर मिनिमम 70% इन एंट्रेंस एग्जाम, 20% STSC कोटा, 20% डिफरेंटली एबल्ड डिफेंस कोटा है, डोमिसाइल 5% कोटा है, राइट. 100% स्कॉलरशिप उन्हीं फैमिली को मिलेगी जिनकी इनकम जो है 1,80,000 से कम की है. सो कोविड के टाइम पे वन मोर इन्फॉर्मेशन आई गॉट टू हैव कि जिन स्टूडेंट्स दे वर नॉट, उनकी फैमिली में से लोग चले गए थे और दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड दी फीस स्ट्रक्चर, कहीं ना कहीं उनको भी फीस में वेवर दिया गया. एंड ऑल इन ऑल मतलब दैट्स थिंग, यू नो. अगर हम बात करें ये कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, फिर बात वही आएगी, बहुत सारे लिस्ट में ऑप्शन होंगे, उसमें इसको कहाँ रखना है या आपको अपनी प्रोफाइल के हिसाब से देखना है. कोई हेल्प चाहिए तो नीचे का प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. सेकेंड चीज की अगर आप मुझसे पूछेंगे, बैंगलोर में कई सारी यूनिवर्सिटी, रमैया है, CMS जैन है, यू नो अलाइंस है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, उन यूनिवर्सिटीज में इसका यू नो मुझे लगता है थोड़ा सा ब्रांड वैल्यू और रेस्ट ऑफ द चीज मैटर करती है. बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज भी मिलेंगे, बट भाई नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे हैं तो फिर भी वो थोड़ा सा ठीक है, बिकॉज 80% कॉलेजेस के तो कोई रिव्यूज ही नेगेटिव नहीं मिलते, मतलब सब कुछ ही अच्छा है, तो देन इट्स ऑल्सो एडजस्टेबल. मैंने आपको बता दिया एवरेज पैकेज में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन 1 लाख का आप मान सकते हैं, 7.5 की जगह 6.5 के आसपास का मान सकते हैं. डिसेंट ऑप्शन है, रैंकिंग में आता है, फैकल्टीज अच्छे हैं, कोलैबोरेशन अच्छे हैं, ऑल इन ऑल डिसेंट ऑप्शन है विद 60-70% इन कैट वाले बच्चे के लिए. और डिटेल्स चाहते हैं और स्टूडेंट से कनेक्ट होना चाहते हैं, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं. तो मैं थी अर्शी खान, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.